सो हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और भाई मैं भी बढ़िया, ज़बरदस्त। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है, कंपटीशन है कल। तो आज थोड़ा रेस्ट वेस्ट ही होगा, मतलब इवनिंग का तो रेस्ट है, मॉर्निंग में भी शायद स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही वर्कआउट होगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि कल जाना है, सब नहीं जाना है, मोस्टली सभी लोग जा रहे हैं खेलने ना। वापस आ गए ट्रेनिंग, अपना ट्रेनिंग करेंगे अभी। क्या कह रही बोलना बोलना। सुबह सुबह मैंने एक मीम देख ली, उसमें गाना ये वाला चल रहा था, हाय हुए हाय हुए बंदोबंदी 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 आंखें लड़ी बंदोबंदी मौका मिले कदी कदी। जो मीम ज़्यादा देखता है उसको समझ आ जाएगा, भेजूंगी यार। तो बाकी आप देखते रहो व्लॉग, और भाई बाकी कुछ नहीं है, बाकी मिलते हैं आगे इस फ्लैश। और सबसे मज़ा पता है कब आता है? जब थोड़ी सी चोट लगी और सब भाग रहे हो और तुम बैठ के बस चिल कर रहे हो, देखो आराम से साइकिलिंग कर रहे हो। थोड़ी सी चोट लगी कल फाइटिंग में ना, थोड़ा सा एंकल मुड़ गया था, तो उस वजह से थोड़ा रेस्ट दे रहा हूँ, कल खेलना भी है। और तो बाकी सब रनिंग कर रहे हैं, देखो चिल मार रहे हैं गाइस, ऐसे ही होता है। देखो देखो भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे भागो भागो ये भी तो साथ में ये बोल रहा है मैं भी साइकिल इल्ला। दोस्तों बने रहो ब्लॉग में, स्किप मत करना, देखते रहो, बाकी मिलते हैं आगे, होता है क्या देखिए जा रहा। मसाज भी बहुत ज़रूरी है, मैं बता देता हूँ मसाज देनी कैसे होती है। पहले ये शोल्डर है, पहले तो शोल्डर को ऐसे ऊपर की साइड ऐसे, इससे क्या होगा शोल्डर थोड़े से रिलैक्स हो जाएगी, पास हो जाओ ना, तो इससे शोल्डर रिलैक्स हो जाएगी। फिर उसके बाद विंग्स होती है, इनको बाहर की साइड ऐसे, इसको ऊपर की साइड, इसको बाहर की साइड, आते हैं ये वाला पार्ट, इसको बस सर्कल में टर्न करना है, सर्कल 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 ये पूरी ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद ये इसको भी सर्कल, पूरे हिप्स को सर्कल करना है, फिर ऐसे करना है, पहले सर्कल ऐसे पूरा टाइट, जितना उससे जितना टाइट होगा, जितना ज़्यादा पेन होगा उतना ज़्यादा रिलैक्स होगा। मजा रे। फिर सेम चीज़ नीचे काफ में भी ऊपर की साइड होगा, ठीक है, और काफ में हैमस्ट्रिंग में सेम चीज़ मसल ऐसे होगी रिलैक्स। ये जब आप तेल ऑयल लगा के करोगे ना तब ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ेगा, बट अभी जब अगर आप ट्रेनिंग से पहले करते हो या ट्रेनिंग में करते हो, नई चीज़ प्रोवाइड होती तो आप सिर्फ ये कर सकते हो ऊपर की साइड, वो भी टाइट टाइट शेक करो, फिर करो, फिर शेक करो, फिर करो, तो ऐसा करो तो मतलब आपकी मसल जो है वो जल्दी रिलैक्स हो जाएगी। तो आप देखते रहो, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आकाश भारद्वाज टेक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो, टेक मसाजर को, मसाज भाई मसाजर आकाश भारद्वाज, स्पा पार्लर कंपनी सनसेट कंपनी, तो वही फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। सॉरी गाइस, मैं भूल गई थी कि यूट्यूब चौड़ा ऐसे ऐसे रहता है, मैं ऐसे बना रही थी रील टाइप में। मसाज चल रही है दोस्तों।
राधा वाटी, हर नेम राधा वाटी, यू ऑल नो आई नो। सारी इंग्लिश प्रैक्टिस यही कर रही है। ही इज आकाश भारद्वाज एज यू ऑल नो। पता ही नहीं था। आपने तो कभी देखा नहीं होगा ये सोनिया भारद्वाज, आपने तो कभी देखी नहीं होगी। भाई तेरी स्क्रीन खराब हो गई क्या? इसमें अच्छा ही है, फोन ही खराब हो गया। नहीं इसमें ये लाइन सी क्या आ रही है ये? तो भाई तुझे कैसा लग रहा है? लाल हो गया भाई ये लोंडा। कहाँ पकाए रहे हो? उतर जाओ भाई। तूने पता है 25 आदमी ऊपर खड़े किए हैं और दो छोटे हाथी, दो छोटे हाथी, गदाधारी भी। मैं भी ना सिस्टम नीचे लटक रहा है। सिस्टम तो यहाँ से दिख रहा था, अभी दिखाऊंगा उन लोगों में जब ऐसे झुक रहा। उल्ली उल्ली बना दे, उल्ली बना दे, उल्ली खसी। भाई दोस्तों देख लिया आज की ट्रेनिंग कितनी टफ हुई है, और अब इसके बाद तो नींद आ रही है। अब चाय पियेंगे और फिर सो जाएंगे ब्रो, क्योंकि काफी रेस्ट मांग रहा है शरीर ना। मसाज करा आज करा आज इतना हैवी ट्रेनिंग हो गया कि भयंकर सांस नहीं आ रहा था यार। क्या करें बताओ, या तो फिर मेरा एंड्योरेंस खराब हो गया ऐसी ट्रेनिंग कर करके ना। छी डर्टी गर्ल, कुत्ते नहीं बोला गया यार इसकी बहन का। मजे जवान फिसल रही है, देख लो कितनी हार्ड ट्रेनिंग हुई है। हाँ। जवान भी फिसल रही है। हाँ यार बहुत ज्यादा हार्ड हुई आज ट्रेनिंग। और ये देखो ये क्या चल रहा है यहाँ, ये देखो ये ले वो पड़ा रहा चुपचाप, शांति से कुछ ही करते रहो। आया एक तो क्या बे साले तू का पाड़ मां ऐसे नहीं पकड़ते कदे यार, कैसे पकड़ लिया यार तेरे लिए हेड खेलेगी बड़ा। हां फिर क्या बे फिर वेट क्या बे क्या ये ले अभी का बस इसमें एक ही तकड़ा है वो वाला कहाँ गया? हाँ हमने मसाज मांगी, हमें तो कद्दू नहीं मिली। इन्हें देखो भयंकर रोमांस चल रहा है, खुले में नहीं। इसके बीमार बीमार है क्या? ये घबराने वाला इसके। अरे ये इतना इसका हेयर स्टाइल है, हाथ पे काट रहा है, काट रहा है वो, काट रहे हैं, काट रहे हैं। इनके दांत आ रहे हैं। वो कहाँ गया सबसे छोटा? क्यों? अरे तो ये लवर ही है, हम भी तो लवी कर रहे हैं भाई, हम कौन सा हेट कर रहे हैं? वो काट ना ले, फिर इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे इनको, नहीं लगेंगे। ये काटेंगे अभी से। हाँ। दांत आ रहे हैं ना? दांत लगते हैं इनके। देख क्या कर रहे हैं? ओए 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 हेलो खुले में, अभी बच्चे हो तुम, बड़े तो हो जाओ। अबे तू लोंडे लोंडे हो तुम, अबे तुम लोंडे लोंडे हो, इधर जा इधर जा। बोला भाई पकड़ी दूध के, एक के अलग के दूध पी रहे थे, एक के अलग बस पिला रही थी दूध। ओ भाई ये तो आपस में शुरू हो जाते हैं, इनको समझाना पड़ेगा, बिगड़ रहे हैं। तमीज़ी जो पिला रही थी वो मार रहा है वो। ओए बाटी चलो चलो अंदर। महेंद्र बाहुबली
कुकिंग कौन निकाल रहा भाई? आपने शाम को ऑफ इंडिया मतलब कुकिंग करके खिलाते आपको? भाई मैं इससे बाहर हूँ, मैं मेरी इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो दोस्तों आगे मिलते हैं। मेरे भाई हॉस्टल वालों जोर से कमरे में चम्मच ले गया ना, ला दे दो हाथ तक खाना पड़ रहा है भाई, बहन का चम्मच ला दो मेरे भाई, चम्मच ला दो, तो खाओ अगली बार में ले लियो। जय बाबा की। कभी आप लोगों ने देखा है कि बैंकर 25-30 आदमी सिर्फ इतनी ही प्लेट में पोहा खा सकते हैं? पर ये शख्स देख रहे हो, ये शख्स देख रहे हो, ऐसे नहीं लगते बैंकर कोई बहस वैस बैठी को डाल दूंगा मैं। आजकल बकैती चलती है सिर्फ यूट्यूब पे, कुछ नहीं चलता मेरे भाई, मेहनत नहीं। अब हमने बकैती करनी छोड़ी तो तुमने चालू किया, जाओ यार। अरे जब तू हुआ नहीं था ना ब्रो, तब मैं भी नहीं हुआ था, हम दोनों प्रोसेस में थे। चलो मिलते हैं ब्रो आगे। अभी इवनिंग ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, और ट्रेनिंग नहीं है मतलब ट्रेनिंग भी है शायद, स्ट्रेचिंग वार्म अप वगैरह और थोड़े से पैर वैर खोलने, क्योंकि कल तो खेलने जाना ही है ऑब्वियसली, तो ज़्यादा कुछ ट्रेनिंग नहीं होगी, शायद फ्री ट्रेनिंग होगा, कूलिंग मतलब वही स्ट्रेचिंग वगैरह होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और बाकी कोई अपडेट नहीं है अभी, जैसे कुछ होता है तो बताता हूँ। और बाकी मिलते हैं आगे, देखते रहो व्लॉग और कमेंट करके बताओ कैसे लग रहे हैं। बाकी एक मैं जिम का वीडियो डालने वाला हूँ, मतलब कुछ दिनों बाद डालूंगा, आज से 10 दिन बाद, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना, तो बने रहो व्लॉग में। चैंपियनशिप की लिस्ट बन गई, अपन कितने लोग जा रहे हैं चैंपियनशिप, और अभी पेमेंट का देखना है क्या हुआ। बाकी देखो भाई कौन आया है व्लॉग में वापस, देख रहे हो लोडन, लोडन नेशनल कैंप कर गया है ये चीता। कर कोई बात नहीं, बहुत लंबी स्टोरी है, दुख भरी स्टोरी है लौटने की अपने। ओ भाई ऐसे मत करो, नेशनल कैंप करके आया लौटा यार, ऐसे करोगे आप? इतनी इज्जत दे रहे, ऐसे बोलो सर प्लीज, सर प्लीज वेट चेक तो देना पड़ेगा भाई, देख रहे हो कैसे 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 जबरदस्ती वेट चेक लेते हैं यार, या मैनेजमेंट कैसे जबरदस्ती जबरदस्ती एक चेक लेता है मैनेजमेंट लोगों से। भाई ये देखो किस किस का एंट्री आ गया भाई, तुम नाम लिख दो दोस्तों। अभी थोड़ा सा वो करेंगे पैडिंग वैडिंग, क्योंकि कल चैंपियनशिप है तो थोड़ा पैर खोलेंगे, वैसे ही खुले हुए हैं यार, बस ज़्यादा नहीं 5-10-15 मिनट करेंगे, थोड़ी हल्की हल्की पैडिंग ना, उसके बाद थोड़ा वेट भी सही रहेगा, वैसे भी सही है वेट तो 500 ग्राम ज़्यादा है, कोई बात नहीं हो जाएगा वो भी। यस ऑल जी राधा भाई, तो बने रहो ब्लॉग में देखते रहो।
आपके पास ही है तो लिस्ट दो भाई। आज का हमारा दोस्त था ये शिवम नहीं सॉरी आदित्य, जो कि कल चैंपियनशिप में धुआं उठा देना अलना फाड़ देगा लोंडा कल बैंकर। पता है कैसे खेलता है? चीते की तरह खेलता है लोंडा, चीते की तरह। लोंडा घोड़ों की तरह खेलता है, घोड़ों की तरह उछलता है लोंडा। भाई देखना इधर। तो भाई यही है, कल ये भी खेल रही है, पता नहीं कैसे खेलेगी। ये भी खेल रहा है, ये तो इंजरी है। बाकी कल आपको पूरा अपडेट करते हैं जैसा भी होगा। दोस्तों अभी चल रही है चाय, ट्रेनिंग खत्म, अब चाय पियेंगे, उसके बाद बस जाते सो जाएंगे। अब कल उठेंगे, कल इन द सेंस ट्रेनिंग करेंगे थोड़ी सी, आके मॉर्निंग में 6 बजे आएंगे, थोड़ा योगा वगैरह करेंगे, यहीं से करके अपना थोड़ी पैडिंग कॉम्पिटिशन में जाएंगे, सीधा जाके सेल्फ स्टार्ट ड्रेस पहन के लात वात मार के जो भी होगा, एक मैच निकलेगा, दो मैच निकलेगा, वापस आके अपना फिर अपना वही काम, बस इतना करना है। तो जब भी आप कॉम्पिटिशन से पहले जाते हो ना, तो खुद का वेट पहले ही ध्यान रखा करो, जैसे कि अंडर अगर ज़्यादा है तो मुश्किल से 500-600 ग्राम ज़्यादा लेके कॉम्पिटिशन में जा सकते हो, ठीक है। और मोस्टली टाइम आप क्या कर सकते हो, चैम्पियनशिप से पहले लूज़ करो तो बहुत अच्छा है ना। दूसरी चीज़, एक चीज़ हो रहा है खाने का, क्या क्या आप लेके जा सकते हो, जैसे एक दिन का कॉम्पिटिशन है, आप कल ही आपको खेलना है, तो खाने में आप क्या क्या ले सकते हो, आप पास्ता ले सकते हो, चावल ले सकते हो, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ लग सकते हो, चॉकलेट वगैरह ले सकते हो, ठीक है, ये सब चीज़ें ले सकते हो। एनर्जी ड्रिंक में क्या ले सकते हो आप, गेटोरेट ले सकते हो, ठीक है। मैं रेडबुल रिकमेंड नहीं करता हूँ अभी, क्योंकि हमारी एज अभी है नहीं, जब होगी 25-26 के बाद तो थोड़ा सा लगता है एनर्जी ड्रिंक के लिए। तो यही सब चीज़ें, एनर्जी ड्रिंक में रेडबुल ले सकते हो, और ये क्या बोलते हैं उसको, रिहाइड्रेशन टैबलेट ले सकते हो, और क्या बोलता है वो, तो जो भी ऐसी ऐसी चीज़ें आप ले सकते हो। बाकी आप कल के पूरे व्लॉग में मेरे आप देखो क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हो, ठीक है। तो बने रहो और देखते रहो, मिलते हैं। भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, भगवान मेरी फोटो खींच रहे हैं क्या है यार, तकड़ी सी वो नहीं आ रही है कोई लाइट, भाई सीधी मेरे ऊपर ना आके गिरे भयंकर, ऐसा हो सकता है क्या? हे प्रभु, हे हरि राम, हे कृष्ण जगन्नाथम, ओ वाओ वाओ। ठीक है, आप देख सकते हो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है, और कल चैंपियनशिप भी है, तो अभी हम खाना खा के सो जाएंगे और फिर आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे कल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं दिखा देता हूँ अपने जो हमारा भूखा पेट भर देते हैं, जो हमारी एनर्जी बूस्ट करा देते हैं, जो हमें मेहनत करने के लिए मजबूर कर देते हैं, जो अंधेरे में भी लगे रहते हैं ऐसे मौसम में, वो है दीपक जी, दीपक जी इधर, नीरज जी इधर, मदन जी, नीरज जी से ही बोला ना, विनोद जी, अच्छा नीरज जी तो गए, नीरज जी गए, अनिल जी, अनिल जी गए, अच्छा। अरे मैं तो तुम्हें नीरज जी सोच रहा था तब से।